टेंथ के बाद स्कूल वाले स्ट्रीम में ना प्रेफरेंस मांगते कि कौन सी चाहिए, तो मेरी फर्स्ट थी आर्ट, सेकंड कॉमर्स, थर्ड सुसाइड, चौथा साइंस। और साइंस में मेरे को इंटरेस्ट था भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग में। मैंने बचपन में एक बार एफटीवी देखा था और मेरे को देख के पता था कि अगर कुछ करना है तो ये करूंगा। मैंने मम्मी को जाके बोल दिया कि मम्मी ये साइंस वाइंस मुझे नहीं करनी, मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है। मम्मी ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके तू गे बन जाएगा। उन्होंने फिर मेरे को साइंस दिला दी, क्योंकि अपने देश में गे लोगों से ज्यादा इज्जत अनएम्प्लॉयड नशेड़ियों की है। पापा ने आईआईटी के ट्यूशन लगा दिए कि लौंडा आईआईटी जाएगा, लौंडा 11th में प्लीज बोल के पास हुआ है। अपना ना एक एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके, जिसको नहीं पता टाइट्रेशन क्या होता है गूगल कर लो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ना मोटा मोटा बता देता हूँ। कुछ कुछ करके पानी का कलर पिंक करना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि रीडिंग मैं घर से याद करके जाऊंगा और वहां जुगाड़ लगा के पानी को पिंक कर दूंगा। तो रीडिंग मैंने घर से याद कर ली और पानी पिंक करने के लिए मैं रोबजा ले गया। तो टाइट्रेशन में क्या होता है ना, एक नीचे फ्लास्क होता है और उसके ऊपर ट्यूब होती है, तो वो पानी ना फ्लास्क में पिंक होना चाहिए। मैंने रोबजा डाल दिया उस ट्यूब में और वो रोबजा अंदर गया और जाके ऐसे नीचे बैठा हुआ है, तो वो इतना रोबजा दिख रहा है और इतना पानी दिख रहा है। अब मैं उस ट्यूब को हिला रहा हूं बीच क्लास में, और ये ना उसने देख लिया, वो कौन होता है, वो लैब में घूम रहे होते हैं लैब असिस्टेंट, ये बात लैब असिस्टेंट ने देख ली और उसने ना जाके सर को बता दिया। सर के पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे को धमका देते, थप्पड़ मार देते, लेकिन सर ने कहा कि यश क्लास के सामने आओ और खुद बताओ क्या कर रहे थे। और जब तुम अपनी चूतियापंती अपने मुंह से बताते हो ना भाई, ईगो तो हर्ट होती है। मैं भाई सबको बता रहा हूं मैं क्या कर रहा था और सारे बच्चे हंस रहे हैं मेरे पे। मैंने कहा किसी दिन कॉमेडियन बनूंगा, ये तो मैं बताने वाला हूं भाई। लेकिन बहुत मजाक उड़ाया सबने मेरा। मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब जो फाइनल्स आएंगे ना अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, टॉप मारूंगा। अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश। मैंने कहा मेरे को सब आता है। मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी। पूरी क्लास को लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा, और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड। मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठी भाई फोर्थ का आंसर बता दे। और मैं इस मोमेंट पर ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूं, इस मोमेंट पर मैं क्लास का टॉपर हूं। तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए, मैंने बताया मैम को कि चीटिंग कर रहा है। थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक एक करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं, फिर मेरे पास आए, आगे कहते यश डाउट्स? मैंने कहा हाँ जल्दी पूछो। कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स? मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे, पर आज नहीं। एग्जाम के बाद ना सारे बच्चे टॉपर्स के पास जाते हैं आंसर रन थ्रू करने के लिए, तो सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि राठी भाई इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था। और बहन चोद इतने चूतिए बच्चे मेरी क्लास में, सबके सब सेम गलत आंसर लिख के आए थे। मैंने कहा कितनी शर्म आएगी इनके माँ बाप को इन पे, इतने नलायक हो कैसे सकते हैं लोग। लेकिन मैं बहुत एजुकेटेड फील कर रहा था। मेरे केमिस्ट्री के सर का नाम था प्रकाश सर। मैं घर पे गया, मैंने अपने फोन में उसके नाम के आगे से सर हटा दिया। मैंने कहा अब किस बात का सर, अब सीखने के लिए बचा क्या है मेरे पास, आज से सिर्फ प्रकाश। एग्जाम वगैरह खत्म हुए सारे, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीटीएम। नॉर्मल स्कूल में ना 1-on-1 पीटीएम होती है, हमारे स्कूल में होती थी ओपन पीटीएम। एक बड़ा सा हॉल, उसमें एक साइड सारे माँ बाप बैठे हैं, एक साइड सारे बच्चे, कि बेइज्जती होगी तो भरी सभा में होगी। माँ बाप बैठे हुए सारे कुर्सियों पे,
बच्चे बैठे जमीन पे, इतने माँ बाप में से आज तक एक ने उठ के नहीं बोला कि बच्चों को जमीन पे क्यों बिठाया है। वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ और कहीं बैठेंगे। मैं अपने लिए कुर्सी लेके आया, मैंने कहा राजा आम प्रजा के साथ थोड़ी ना बैठेगा, मैं अपनी कुर्सी लेके मैं आराम से बैठा हूं। थोड़ी देर में प्रकाश आया हॉल में, आके ना आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया। तो एक एक करके सबको नाम ले लेके बुला रहा है, आकाश 31 मार्क्स, विपुल 45 मार्क्स, फिर उसने मेरा नाम लिया यश, और उसने मेरे मार्क्स नहीं बोले। तो एज अ सुपर स्मार्ट इंडिविजुअल मेरे को लगा कि इतने नंबर देख के बाकी बच्चों को बुरा लगेगा। मैं खड़ा हुआ चौड़ में पूरी, और मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जब मैं फेल हुआ था इन सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, आज मेरे 100 में से 100 आने वाले हैं, आज मैं इन बच्चों का मजाक उड़ाऊंगा। तो मैंने प्लान बनाया, जैसे वो होते हैं ना हॉट टीचर्स, जब वो रो के बीच में से जाती है तो उनका पल्लू ऐसे बच्चों के मुंह पे लगता है। मैंने कहा मैं अपनी आंसर शीट बच्चों के मुंह पे फेरता हुआ जाऊंगा। कि देख 100 तेरी माँ के वेट के बराबर नंबर है। एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस जोक, क्योंकि मेरे को पता है फैट शेमिंग बहुत गलत चीज है, पर ये बात 2014 की है। उस टाइम पे वोक का मतलब सिर्फ उठे रहना था। मैं गया पूरी चौड़ में, मैंने अपनी आंसर शीट ली, और मेरा पहला रिएक्शन था, मैं कहा हाँ, गैस करो मेरे कितने आए होंगे। हिंट ये है कि तुम उंगलियों पे नहीं गिन सकते। मेरा आया था आधा नंबर, 100 में से आधा। मैं 100 में से 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने ना दिल से माने कि मैं चूतिया हूं, लेकिन इतना, दो बच्चों के मिला के इतने नहीं आए थे जितने मेरे कटे थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, वहां लिखा हुआ है 0.5/100। मैंने कहा प्रकाश एक बार पेन देना। कहते क्यों? मैंने कहा ये जो आपने 99.5 लिखा है ना, ये 9 थोड़े थोड़े 0 जैसे लग रहे हैं, ला ठीक कर देता हूं नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। कहता बेटा वो आधा ही है। और फिर मेरा निकला रोना। मैं कहा लेकिन सर ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने कुछ तो ठीक लिखा होगा। कहते यू विश, तू साले अपना नाम रोल नंबर वाली जगह लिख के आया है। और ये आधा नंबर इसलिए दिया है कि तू ओम लिख के आया था। भगवान का डर है तो दे दिया, वरना आंसर शीट मुंह पे फेंक के मारता। मैंने कहा सर सॉरी। कहते अब सॉरी बोल के क्या होएगा, तेरी वजह से मेरा जॉब रिव्यू होने वाला है। कि किसी बच्चे का आधा आ कैसे सकता है। मैं वापस गया, मैंने कुर्सी हटाई, मैंने कहा जमीन पे बैठेंगे अब, ऐसा राजा तो नहीं बनना मेरे को। मैं आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर में ना प्रिंसिपल आई हॉल में। देखो एक होता है जिनको हायर करा जाता है, उन प्रिंसिपल्स की कोई औकात नहीं है। एक वो प्रिंसिपल होते हैं जिनका स्कूल खुद का होता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, उसका स्कूल खुद का था। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, छोटे लाल रंग के बाल। हॉल में घुसी पूरे गुस्से में कि बहन चो दोपहर की नींद खराब हो गई। घुस के ना उसने एड्रेस करना शुरू करा कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसका 100 में से सिर्फ आधा नंबर आया है, जो भी ये बच्चा है खड़े होके सामने आ जाओ। तो मेरे को बताता कि प्रिंसिपल को ना बच्चों के नाम नहीं पता होते। मैं बैठा रहा, फिर एक चूतिया ने इशारा करा, मैम ये था। फिर मैं खड़े होके सामने गया, प्रिंसिपल ने कहा इसके जो भी पेरेंट्स आए हैं खड़े हो जाओ। मेरी मम्मी आई थी, मम्मी भी नहीं खड़ी हुई। इतने में ना प्रिंसिपल ने सर पकड़ लिया कि क्या खानदान है ये। फिर मैंने पॉइंट आउट करा, मैंने कहा वो है मेरी मम्मी। फिर मम्मी खड़ी हुई,
प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आपका बच्चा इतना नलायक है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसको साइंस मिली कैसे। मम्मी कहती क्या मतलब कैसे मिली, आप ही को तो 50,000 रुपए दिए थे। इस बात में ना प्रिंसिपल से शौक मैं हुआ था। मैंने कहा 50,000 है हमारे पास।